इस बार राजद को देंगे। राजद को कुछ नहीं जानते। टीएसपी यादव जीतेगा। अरे जो आज तक बार्गेनिंग कर रहा है सुशासन के नाम पे, वो नकली खेल खेल रहा है, उसके खिलाफ वोट करेंगे हम लोग। युवा गुस्सा क्यों गए हैं जदयू से? गुस्सा का नहीं, कोई काम ही नहीं करता है साला। कोई काम करता है वो? कुछ करता नहीं। नीतीश कुमार साला गंजा पी के वहाँ सुतल रहता है पटना में। वो गुस्सा जोरा कर करके घर बना रहे हैं, कहे बेटा पुतहु कहाँ रहेगा साला। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देवे नहीं कर रहा है, नहीं मुखिया नहीं सरपंच। चुनेंगे तो लालटन नहीं देंगे, देंगे तो लालटन, जीते चाहे हारे लालटन का वोट नहीं देंगे। तारापुर से 20 किलोमीटर दूर संग्रामपुर में है, उपचुनाव को लेकर बात करने पहुंचे हैं यहाँ के लोगों से, और यहाँ के लोगों का मूड जानेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं और वो किनको इस बार चुनेंगे। 30 अक्टूबर को चुनाव है, 2 नवंबर को फैसला है। लोग क्या कह रहे हैं ये हम जानते हैं यहाँ के लोगों से। इस बार राजद को देंगे। राजद को? ऐसे पहले इस बार राजद मतलब इससे पहले किसको देते? पहले देते थे जदयू को। जदयू को देते? राजद इस बार क्यों? इस बार काम करेगा राजद। काम करेगा मतलब कैंडिडेट कैसा? बढ़िया है, बढ़िया है। क्या जदयू से राजद के तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्या मुद्दा, मतलब क्या हो गया? अच्छा लग रहा है। और कुछ विकास करेगा? विकास करेंगे, कुछ नहीं जानते। टीएसपी यादव जीतेगा। अब तेजस्वी यादव यहाँ किसको खड़ा किए हैं? वो कहाँ? यहाँ पे, यहाँ असरगंज से बनिया खड़ा है। क्या लगता है जीत पाएंगे? हाँ अबरे जीतेगा। ऐसा नहीं ना, अबरे बहुत महंगाई हो रहा है इसीलिए। अच्छा महंगाई है इसीलिए जदयू से आप? हाँ हाँ, अबरे टी एस पी एकदम स्योरली निकलेगा, उसमें कोई दो मत नहीं। गंगा यादव। हम लोग तो देखिए जो सही लोग है उसका चुनाव करेंगे। और बताएंगे तब तो कौन, मतलब कौन है सही लोग जो लोगों को भी बता सकें, जो लोग भी उनको वोट दें? जो बार्गेनिंग नहीं करे, जो आज तक बार्गेनिंग कर रहा है सुशासन के नाम पे, वो नकली खेल खेल रहा है, उसके खिलाफ वोट करेंगे हम लोग। मतलब राजद को वोट करेंगे या कांग्रेस को? हाँ राजद को करेंगे। राजद को वोट करेंगे? हाँ। जदयू से काहे नाराज? जदयू से नाराज इसलिए है कि देखिए सुशासन का जो नारा दे रखा है वो नकली नारा है। अच्छा, और उसमें कुछ नहीं है। आम आदमी अभी क्रश में चल रहा है, महंगाई अभी आम चरम पर है, गरीब का कोई देखने वाला नहीं है, और ये अफसरशाही शासन जो है इसके विरुद्ध हम लोग वोट करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेमचंद्र यादव। भैया से बात करेंगे, बताइए युवा हैं आप लोग, किसको वोट करना चाहिए? बताइए बताइए। लालू को। लालू यादव को? काहे? काहे वो सस्ता सब कुछ रखता है। सस्ता रखते हैं? अभी क्या महंगा है? कुछ महंगा हो गया सब कुछ है, तेल है, चीनी है, चावल है, कौन चीज मंगा है, टोटल चीजें मंगा है। किसको वोट दीजिएगा? लालू यादव को। मतलब यहाँ किसको दीजिएगा? यहाँ लालू यादव थोड़े कह रहे हैं, यहाँ तो लालू यादव के पार्टी से नेता ही कौन है साहब, नाम नहीं जानते। अरुण साह को तो उनको दीजिएगा। हाँ क्या नाम हुआ? सिंधु कुमार। बताइए भैया किसको वोट करेंगे? वोट करेंगे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव क्यों? हाँ महंगाई बढ़ गया, पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ महंगाई पूरा है, सब्जी प्याज आलू लहसुन सब महंगाई है। हम लोग युवा हैं, गाड़ी नहीं कमाते हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, गाड़ी कहाँ से चलाएंगे? पेट्रोल जो महंगा हो गया है, बस यही सब बात है भैया। और क्या क्या लग रहा है जीत पाएंगे? अब देखिए हम लोग तो पूरा सपोर्ट है, जितना हारना तो बाद की बात है। बताइए दादा किसको वोट करेंगे इस बार? किसको वोट करिएगा? तेजस्वी करेंगे। लालटन साहब? लालटन लालटने करेंगे। काहे उनको काहे? जदयू काहे नहीं या फिर कांग्रेस का? ओ वही महंगाई, महंगाई ना वो महंगाई कर रहा है। कौन महंगाई? वही डीजल पेट्रोल सब्जी चावल दाल सब वही भाजपा वाला। युवा गुस्सा क्यों गए हैं जदयू से? गुस्सा का नहीं, कोई काम ही नहीं करता है साला। कोई काम करता है वो? कुछ करता नहीं। नीतीश कुमार साला गंजा पी के वहाँ सुतल रहता है पटना में। वो उसके पास क्या जाएगा साला, जो टे रोज लगाता है जनता दरबार, जनता जाके वहाँ कौन चीज करता है? कुछ करता है, कोई सुनवाई नहीं करता जनता का। जनता दरबार में सुनवाई नहीं हो रहा? कहाँ हो रहा है सुनवाई जनता दरबार में? जाता है तो आदमी बोलता है ठीक है हम
ऑफिसर को बोलेंगे कार्रवाई करेगा, कार्रवाई करेगा तब ना, करवे नहीं करता है। इसके राज में कोई कानूनी कार्रवाई है कहीं? पता जी बताइए, बोलता है दारू बंद है, दारू कहीं है बंद? वो तो बोलते हैं कि लालू राज में भी था। अरे लालू राज छोड़िए ना, लालू छोड़िए ना, आप क्या किए 15 साल में, आप कौन जी कुछ किए हैं बोलिए। और चुनाव भी है तारापुर में, क्षेत्र में कितना असर पड़ेगा क्या लग रहा है? देखिए हम लोग को 60 वर्ष उम्र हो गया, नीतीश कुमार बहुत 20 साल से रह रहा है, आप तालुक ने हम लोग को इंदिरा आवास मिला है नहीं और कुछ मिला, मतलब चार ना भी फायदा नहीं है। कोई काम करने लिए जाते हैं बुलाओ कुछ नहीं होता है। इंदिरा आवास मिलवे नहीं किया आप? ना, कुछ नहीं मिला है इंदिरा आवास। सरकार कह रही कि इंदिरा आवास सबको दिया, कहाँ दिया है इंदिरा आवास? छोटो को बेटा एग्री माइनो कमा करके खाएंगे मुरे, उसको कमा के दुपसा जोड़ा कर करके घर बना रहे हैं, कहे बेटा पुतहु कहाँ रहेगा? सला कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देवे नहीं कर रहा है, न मुखिया नहीं सरपंच नहीं वृद्धा, 60 वर्ष उम्र हो गया, तल परिवार भी डेट कर गया, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। वोट तो आपका अधिकार है, वोट तो दीजिएगा। हाँ वोट तो देंगे, इसको दीजिए, हम जिसे भी आज यादव को देंगे वोट, हाँ तेजस्वी यादव को इच्छा है कि सब उसको भी 15-20 साल रखे, अब इसको इनके देना है, अब कोई उपाय नहीं है, नीतीश का फिर में नहीं रहेंगे हम लोग, अभी इसी को देंगे एक बार। महंगाई कम होगा? महंगाई हुए चाहे नहीं हुए, मतलब अब है कि भाई बूढ़ा हो गया, अब जवान है, इसको देंगे एक बार। अच्छा तो बुजुर्ग जो है जवान को पसंद कर? हाँ पसंद कर रहे हैं हम लोगों से, विनोद यादव। बताइए चाचा किसको वोट दे रहा है इस बार, कहाँ के हैं आप? हम लोग तो बाहर के हैं, हम लोग वोट वोट नहीं डालेंगे। आप ही बता दीजिए कहाँ के हैं हम, कहाँ के हम तो बाहर कहाँ था, हम देवेंद्र के हम ड्राइवर हैं। अभी तो नहीं बताए, क्लियर नहीं बता सकते किसको चुनेंगे। महंगाई तो महंगाई जबरदस्त है, अब तो डार्लिंग हो गया है, महंगाई को मत बोलिए। हम डार्लिंग हो गया है, इसके लिए डार्लिंग हो गया किसके भाजपा के लिए, भाजपा के लिए डार्लिंग हो गया। हाँ पहले क्या थे? पहले डियर था, अब डार्लिंग हो गया। हाँ डायन थी, अब महंगाई जो है ना मत बोलिए, जबरदस्त है महंगाई। चुनिएगा किसको? जदयू से भी हैं कैंडिडेट यहाँ पर, राजद से भी? अभी विचार नहीं किए, अभी विचार नहीं किए। महंगाई पर आप वार कर रहे हैं तो इसका मतलब महंगाई पर तो है, महंगाई तो जबरदस्त है, आम आदमी के थाली में दाल और रोटी संभव नहीं है। कमाई कितना हो पाता है? मुश्किल से 200 रुपया 250 रुपया कमाता है सरकार के तरफ, उसमें तो 1 लीटर सरसों तेल आता है, सब्जी कहाँ से खरीदेगा? सब्जी खरीदेगा तो दाल कहाँ से खरीदेगा? हम तो यहाँ बहुत अथी करना है, यहाँ और बांका जिला पड़ता है, जिला बांका पड़ता है जी, तारापुर विधानसभा में नहीं है। युवा है यहाँ के, इनसे बात करें, बताइए आप लोग, बताइए क्या दिक्कत है? अरे युवा जोश है आप लोग, बताइए बताइए। अरे यहाँ ये नहीं, ये बताइए। हाँ हाँ कहाँ के हैं आप? आए तारापुर से हैं? नहीं हम तो दुर्गापुर का रहे। तब छोड़िए ना, तारापुर कैसे करें? अरे नेता लीडर है, अरे नेता लीडर तारापुर विधानसभा में। हाँ तारापुर विधानसभा। हाँ हम लालटेन को वोट देंगे, लालटेन को वोट दीजिए। हाँ काहे? महंगाई बेसी होगा, नरेंद्र मोदी तो सारा आग लगा कर रहने दिया क्या? जनानी नीतीश को और बाहर कर दिया और समर्थवा को मरवा रहा है और ब्यौरा हम दे रहे हैं और क्या? तेल तो हो गया आकाश, पानी वाला तेल अंकर चलता है भर भर, पेट गया फूल, तरकारी हो गया 54 टका, और चावल हो गया 42 टका, वो है सौरभ है गौरव है, खाएगा क्या गरीब? दाल मिलने पाता है, दाल चुनिएगा किस? चुनेगा तो लालटेन ही देंगे, देंगे तो लालटेन, जीते चाहे हारे लालटेन का वोट नहीं देंगे हम। मेरा नाम है कैलाश यादव, पूछिएगा तो सिंचा सबको, उसी का हम तय ना आते, कोई दिक्कत नहीं, हम नेता है पुरनका, पुरनका नेता। हाँ हाँ सर नेता है, बगल से जाएंगे हम नहीं गए, हम तो खाने लगा गरीब आदमी, तो थोड़े कमजोर पार्टी, हम लोग बड़का पार्टी नहीं है ना, हम गोरखी ले जाएगा। तेजस्वी यादव तो सबको खुशते हैं ना? हाँ? सबको खुशते हैं, वो तो बोल रहा है जनानी चप्पल खाइए रहेगी, अरे मुसहरी भी कहाँ की है, झूठे बोल रहे हैं ये सब। बताइए क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हम लोग नीतीश कुमार को चुन रहे हैं, जदयू को? हाँ जदयू को, कहा इसलिए कि बहुत सुधार हुआ देश में, लंगा गुर्दागिर्दी रोड पर शराब दारू जो पीता था वो बिहार में वो सब बिल्कुल शांत है, लंगा फरोशी भी शांत है, स्वतंत्र। बिहार में तो क्राइम कंट्रोल नहीं है अभी, अब बिहार हम लोग क्या जाने, यहाँ का कंट्रोलिंग है, कोई ऐसा आदमी है नहीं कि जो कि रंगदारी करे, कोई किसको चुन?
हम लोग उसी को नीतीश कुमार को चुन रहे हैं। फाइनल फाइनल क्या नाम हुआ? उमेश प्रसाद सिंह सिंह कोई रही है दाव, जी अब तो हमारा बुजुर्ग बच्चा नहीं है ना होता क्या किसको चुन रहे हैं? हम लोग देखिए हम लोग वोट देंगे राजीव कुमार सिंह को। राजीव सिंह क्यों? तीरछाप में नीतीश कुमार ने ग्रामीण सड़क में बिजली का जो स्थिति है अभी ठीक ठाक है और जहां अभी तेजस्वी यादव रात में भी जो घूम रहे हैं नीतीश कुमार का रोड पर बनाया हुआ घूम रहे हैं और जो बिजली का स्थिति है गांव में भी अभी हम लोग लालटेन युग से निकल चुके हैं इसलिए तीरछाप में वोट देंगे। फाइनल 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 जीत पाएंगे 100% कोई किंतु परंतु नहीं। अभी आपके सामने वो चाचा कह के गए। अरे वो सब ऐसे होता है आम जनता से पूछेगा हम लोग तीरछाप में इसे लीजिए बताइए। हम लोग भी तीरछाप को वोट देंगे। तीरछाप क्यों? इसलिए कि वो बिजली पानी हर जगह सुविधा दिया है और रोड वोड भी सुविधा दिया है इसलिए तीरछाप में ही वोट देंगे एकदम फाइनल। महंगाई जो बढ़ रही है और भी कुछ मुद्दे हैं इसको लेकर सरकार पर आदमी बरस हम लोग देंगे उसी को तीरछाप को ही वोट देंगे। तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर संग्रामपुर बाजार की जनता का मूड आपने जाना क्या वो किनको चुन रहे हैं? बहरहाल लोग किनको वोट देते हैं और कौन यहाँ से जीत हासिल करते हैं यह देखना लाजमी होगा।